हाँ जी जानीस, तो हर हर महादेव सभी जानीस को। आज है भाई का 22वां दिन मौन व्रत का, और भाई ने सुबह उठ के करी पूजा। उसके बाद भाई ने ब्रेकफास्ट में खाई फल और पिया जूस। देखो देखो देखो, सुबह सुबह हो गया शुरू बदमाशी। लो तो भाई, हर हर महादेव सभी को भाई। और आज है भाई का 22वां मौन व्रत, और बस भाई एक हफ्ता बाकी है, उसके बाद भाई का मौन व्रत हो जाएगा समाप्त। एक बहुत बुरी न्यूज़ है, क्यों मैं तो बताऊंगा भाई, रुको एक मिनट। भाई का कल रात को हो गया था एक्सीडेंट गाइस, दिमाग ख़राब हो रहा है मेरा, और मैं था नहीं उस टाइम पे। तो भाई बात ऐसे हुई कि भाई रात को घर जा रहे थे ऑफिस से, अपना जो भी पूरा दिन का लाइक अनुभव है वो सब कुछ लिख के भाई जा रहे थे स्कूटी से घर। घर जाते टाइम ना रास्ते में एक पड़ता है बीटा डेडी, जहाँ से मतलब दूध वगैरह मिलता है वो पड़ता है। तो भाई उसके सामने कोई था शायद कमर्शियल गाड़ी वाला, तो वो साइड में खड़ा हुआ था। उसने बिना देखे क्या करा, गाड़ी का गेट खोल दिया, गेट खोल के निकलने लगा, और इतने में भाई जाके धड़। ऐसा ही हुआ था ना, ऐसा कुछ हुआ है, दिखाऊंगा मैं, दिखाऊंगा, रुक जाओ। अभी तो भाई गाड़ी चला रहे, अभी रुकेंगे ना, अभी ऑफिस जाके, अभी तो हम लेने, अभी छतरी लेने आए हैं, छतरी मतलब अम्ब्रेला वगैरह। भाई कह रहे कि मेरी बॉडी में कहीं दर्द नहीं है, सिर्फ मेरे नेक पे लगी हुई है बहुत तेज। ठीक है, इसका भी मैं रिव्यू दूंगा पूरा, अभी रुक जाओ। तो अभी फिलहाल जा रहे भाई हम लोग छतरी लेने, क्योंकि बाबा आए हुए हैं दो तीन ना, तो ये भाई प्रिंट वाले ले लिए छतरी, क्योंकि ब्लैक वाले तो सभी यूज़ करते हैं। तो भाई ने ले लिए तीन छतरी, देख रहे हो अलग अलग कलर के, बिल्कुल मस्त है ना। तो ऑफिस जाके भाई ये देंगे बाबाओं को, क्योंकि बाबाओं का डिमांड था कि भाई हमें पैसे वैसे ना चाहिए, हमने तो बारिश के मौसम में छतरी दे दो। तो भाई ने बोला चलो ठीक है, रुको फिर हम जाके छतरी लेके आते हैं। फाइनली ले लिया छतरी, अब जा रहे ऑफिस। चले भाई। लो भाई, तो पहुँच गए फाइनली ऑफिस। तो भाई अब देखते हैं बाबाओं का रिएक्शन। ये देखो बाबा है, लो बाबा, जय सिद्ध शंभु, हर हर महादेव। भाई को आशीर्वाद करना है, ठीक है, बाबा जी हो, दुनिया का चलती हो, बाबा आशीर्वाद दे जा, बिल बटन में काई रुको मेरे हाथ में दे, हम आशीर्वाद कह भरे हाथ में दे, क्यों एक बार। चलो भाई, हर हर महादेव। बाबा वगैरह सब चले गए, और भाई अभी कर रहे हैं यहाँ पे थोड़ी देर विश्राम। विश्राम तो क्या ही, मतलब मेडिटेशन, लाइक सर ऐसे नीचे करके जो मैंने आपको पहले बताया हुआ है और दिखाया हुआ है, रील पे जाके देखा करो, पता चल जाएगा। तो मैं जो बोल रहा था, देख रहे हो ये देखो, अरे रे रे रे, हाथ का दिखा ना, ये देखो, यहाँ लगी है, रे बाप रे बाप। तो भाई जब भी यार आप लोग स्कूटी वगैरह चलाओ ना, तो ध्यान से चलाया करो भाई, प्लीज, है ना। और मेरे ख्याल से तो भाई रात को निकला ही मत करो स्कूटी भी, स्कूटी से सही बताऊं तो। और कैब वाले भाई, आप तो बच गए कल, चलो कोई बात नहीं, हो तो भाई मौन पे थे और मैं साथ नहीं था, सिस्टम खराब हो ही जाता है ना। ऐसा कुछ नहीं है भाई, अगर आप गेट खोल रहे हो तो आपको देख के खोलना चाहिए पीछे कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, ठीक है। इतना भी हाथ नहीं जोड़ना, ज्यादा हाथ जोड़ोगे ना तो लोग सर पे चढ़ के, यू नो। तो भाई थोड़ा ध्यान से रहा करो और देख के गेट वेट खोला करो, चाहे कोई भी हो, ये सिर्फ कैब वालों के लिए नहीं बात कर रहा हूं मैं, चाहे कोई भी हो, अपना पीछे देखो उसके बाद अपना गेट खोला करो। बेशक आपकी गलती ना हो, लेकिन सामने वाले की तो हो सकती है। भाई कह रहे कि भाई जो हैंडल है स्कूटी की वो लगी है भाई के नेक पे ना, हल्की हल्की सूज भी गई है, देख लो यहाँ पे, मुझको ऐसा फील हो रहा है। तो भाई ठीक है, भाई को करने तो अभी थोड़ी देर मेडिटेशन, उसके बाद मिलते हैं। तो भाई दोपहर के लंच के लिए भाई चले गए घर, और घर जाके भाई ने लंच में खाया फल, और देख रहे हो ये देखो, भाई ने आदत बिगाड़ रखी है इसकी ना पूरी। हाँ जी, तो जानीस भाई निकल गए जिम के लिए, और मौसम भी देख लो बढ़िया सही मस्त एकदम बारिश वाला मौसम है। और बाकी भाई मैं यही कहना चाहता हूँ कि भाई को लगी है चोट,
उसके बाद भी भाई जा रहे थे। मैंने सनम भैया ने सबने मना किया कि भाई रहन दो, आप एक दो दिन ड्रॉप कर लो क्योंकि चोट ज़्यादा है ना। लेकिन भाई मान्यता बना यार, क्या ही बोलूँ। तो ठीक है भाई, भाई कह रहे नहीं यार जाऊँगा जिम तो जाऊँगा ही जाऊँगा, चलो लेकिन हाँ एक्सरसाइज वगैरह थोड़ा देख के करेंगे। क्या करोगे आज वैसे एक्सरसाइज भाई? ओ ये हाँ समझ गया, तो भाई कह रहे आज रिलैक्स करेंगे भाई। अभी एक्सीडेंट में भाई के अपर बॉडी दर्द, ठीक है अब जिम के बाद लोअर बॉडी दर्द। मैं मना करता हूँ, मैं ना हमेशा बोलता हूँ कि भाई मेरे को मत जाया करो छोड़ने स्कूटी पे, मत जाया करो और ना आया करो भाई इतनी रात को अकेले अकेले, सुनने ही ना आया बिल्कुल भी। और भाई जिसने ये हरकत करी है ना, जो अगर ब्लॉग देख रहा है भाई गलत बात है ब्रदर, आगे से प्लीज ध्यान से जो भी आप करो एक बार प्लीज ध्यान से देखा करो पीछे की कौन है कोई नहीं है, सारे मतलब जितने भी गाड़ी वाले भाई जितने भी सबसे ये रिक्वेस्ट है भाई की तरफ से, क्योंकि भाई तो बोल लेना है तो मैं उनकी बात बता रहा हूँ, ठीक है भाई। अरे 9 दिन रुक जाओ उसके बाद मैं बोलूंगा, ठीक है भाई ये भी लिखेंगे भाई डायरी में आज भाई, याद रखना भाई। तो जानी स्लो भाई, भाई पहुंच गए इसी के साथ जिम और अब जा रहे गाड़ी पार्क करने, ठीक है उसके बाद करेंगे आज जिम और आज करेंगे लेग्स। देखेंगे भाई का कल का रिव्यू लेंगे भाई, कल देखेंगे भाई को सुबह, क्योंकि भाई अब पहली बार कर रहे हैं मौन व्रत में ना लेग, क्योंकि 20-21 दिन में भाई ने लेग नहीं मारे, आज मारेंगे पहली बार तो देखेंगे गाइस। चलो तो इसी के साथ भाई पहुंच के जिम और अभी सारा अपना ऑर्नामेंट्स भाई निकाल के रख रहे, उसके बाद करेंगे जिम शुरू। इसी के साथ भाई का जिम होता है आज के लिए समाप्त, तो भाई अब चले घर, चलो भाई घर चलते हैं। तो इसी के साथ भाई निकल गए जिम से और अब घर जा रहे हैं। तो भाई ने कर लिया है जिम आज, लेग्स मार लिया देख लिया आप लोगों ने, और भाई ने ज़्यादा किया नहीं क्योंकि भाई की ना गर्दन पे दर्द होना स्टार्ट हो गया था, इसलिए भाई ने बोला कि यार ठीक है। तो भाई ने जितना कर किया बहुत मुश्किल से किया, दर्द हो रहा था वो चेहरे पर दिख रहा था। कल जैसे मैंने बताया था कि भाई आज मसाज लेने वाले थे और मसाज नहीं लेंगे आज, क्योंकि पता ही आपको कि दर्द के वजह से और बाकी पैर हाथ में जो चोट्स आए हैं उनके चक्कर में नहीं ले पाएंगे, तो भाई इस बार के लिए तो मसाज कैंसिल। बाकी हफ्ते भर में अगर भाई रिकवरी हो जाते हैं तो फिर देखेंगे, ठीक है। तो चलो भाई अब चलते हैं घर। तो फाइनली बारिश हो रही है हल्की हल्की और भाई पहुँच गए हैं घर। ये देखो ये बारिश तो रुकती नहीं है भाई, ये देख रहे हो क्या ढकी हुई है इसमें, कमेंट करके बताओ और इसका नाम भी बताना प्रॉपर, इसका नाम क्या है, ठीक है। भाई कह रहा सुकून मिलता है, देखो हनुमा गुस्सा। तो चलो भाई अब डिनर पे मिलते हैं। फाइनली आज दे ही दिया इसको खाना, ये देखो मैं तुम्हें ना एग्जांपल दिखा दूं, मैं तुम्हें डालना पानी वानी क्या डालना, देख आज तो खा रहा है मतलब भूख लगी है इसको पक्का, तभी उछल कूद कर रहा है, देखा कैमरा जाते ही देख रहे हो शुरू हो गया एक्टिंग। और भाई इसी के साथ भाई पी रहे नारियल पानी बढ़िया बढ़िया मौसम के मजे लेते हुए। ना 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 इसको भी दे दो भाई, इसको भी दे दो, इसको भी चाहिए। देख रहे हो कैसे पागल हो जाता है, देख रहे हो कैसे पागल हो जाता है, जब भी कुछ खाने लगे भाई साहब चैन नहीं मिलता इसको। तो भाई भौंकने का रीजन पता चल गया आज क्यों इतना ज्यादा भौंक रहा था, इसको घूमना था गाइस, जो भाई इसको घुमाते हुए आज आए नहीं है,
तो भाई ले जा रहे इसको घुमाने, देख रहे हो कैसे खींच के लेके जा रहा है। 100 हाथियों की ताकत आ गया भाई अभी इसमें ना। तो भाई भाई घर पहुंच के डिनर में खाए फल, और देख रहे हो, देख रहे हो, ये देखो जहाँ भी जाए भाई का पीछा नहीं छोड़ता है गाइस ये। हाँ जी, तो जानिस भाई पहुंच गए ऑफिस, खाना वाना खा के और नहा धो के। तो भाई अपने जानिस को दिखा दो कि आज आपने क्या अनुभव किया है। तो जानिस वेट खत्म हो गया, देख लो भाई ने आज क्या अनुभव किया है पूरे दिन में। आइए तो इसी के साथ बोल दो भाई, हर हर महादेव।